नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 नवंबर को एसएससी सीजीएल टायर 3 का एग्जाम हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जैसे कि स्टूडेंट्स के किस तरह के दिमाग में क्वेश्चन है, अब कौन से एप्रिहेंशन है, कहाँ पे बच्चों को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे जो आपके दिमाग में शंकाएं हैं, डाउट है, मुझे लगता है इसके बाद वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो, ये एग्जाम था वो संडे, ये 10 से 11 बजे का टाइम था, और इस दौरान कुछ एक मिस्टेक हो सकता है, स्टूडेंट से हुई और वो काफी महंगी पड़ सकती है। 10 मिनट बिफोर एग्जाम, मतलब कि आपका जो पेपर है, जब से पेपर स्टार्ट होता है उससे पहले आपके पास कुछ टाइम होता है, और उस टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि वो देखने की कोशिश करते हैं कौन सा टॉपिक आया, पेपर को उठा उठा कर देखने की कोशिश करते हैं कौन सा टॉपिक आया। जो बच्चे ये ऐसा करते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हो सकती है। आपका काम पहले इंस्ट्रक्शन समझना है, देखना है और माइंड को कूल करना है। आप ज्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, आपसे आपको नुकसान होगा। रोल नंबर, थंब इंप्रेशन, मीडियम, कौन सा मीडियम है, हिंदी है, इंग्लिश है, और सिग्नेचर, और इंडिविजुअल लेटर के सिग्नेचर। अगर किसी का ये मिस हो गया है तो उसके 0 नंबर लगने की पूरी संभावना है। मतलब कि अगर किसी बच्चे ने रोल नंबर ठीक नहीं लिखा, या कटिंग कर दी है, गलत लिख दिया है, थंब इंप्रेशन है, LTI जिसको बोलते हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अगर वो मिस हो गया है या गलत जगह पे हो गया है, नहीं किया है, या मीडियम हिंदी इंग्लिश वहां पे चूज नहीं किया या गलत कर दिया है, सिग्नेचर नहीं किया या गलत जगह पे कर दिया है, और इंडिविजुअल लेटर सिग्नेचर, इनमें से अगर कोई भी होता है गड़बड़, तो 0 पूरे लगने की संभावना पूरी हो जाती है। क्योंकि हमने देखा पीछे भी 300 से 500 स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर साल जो इसका शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना होता है, एक सीट और मिलती है जिसमें कि सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन करना होता है, और एक सीट होती है जो कि कमीशन है, कमीशन कॉपी बोलते हैं उसको, जिसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, इंडिविजुअल लेटर के सिग्नेचर, सेकंड साइड होता है जिसमें कि एक सेंटेंस फिलअप करना होता है जो हिंदी इंग्लिश में दिया होता है, ताकि बच्चे की लिखाई की यही बच्चा है उसको देखने के लिए, मदर नेम, कैंडिडेट सिग्नेचर, नाम और एड्रेस, ये चीजें होती है जो कमीशन के पास जाती है, ताकि कमीशन को पता चले ये स्टूडेंट है और इसने ये पेपर दिया है। तो ये वाली डिटेल्स कमीशन के पास जाती है। ये वाली जो डिटेल है जिसमें कि आपको पूरी अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है, ये वाली किसके पास जाती है, ये पास जाती है जो पेपर चेक करेगा उसके पास में, क्योंकि पेपर चेक करने वाले को आइडेंटिटी पता नहीं होनी चाहिए, कमीशन को पता होनी चाहिए। तो ये दो जो चीजें हैं ये आपकी, ये यहाँ प्रोसेस है वो आपका कम परफेक्ट होना चाहिए। बच्चों को इस मुद्दे पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत तो होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे जरूर हुए होंगे जहां पे किया इसमें गड़बड़ की होगी, कहीं ना कहीं किसी स्टेज में या किसी चीज में गड़बड़ की होगी, और ऐसी संख्या आमतौर पे 300 से 500 होती है। वो कब होती है, जब लगभग 35,000 या 35 से 40,000 के आसपास बच्चे देते हैं। अब इस बार तो काफी बच्चों ने ज्यादा दिया है, पेपर दिया है जो कि टायर 2 क्वालिफाई नहीं है, वो भी टायर 2 का भी दिया, टायर 3 का भी दिया, साथ साथ होने की वजह से, तो ये संख्या काफी ज्यादा हो सकती है जहां पे कि मिस्टेक हुई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे जिन्होंने टायर 2 बहुत अच्छा किया, टायर 1 अच्छा किया, ऐसी गलती उन्होंने नहीं की होगी। इफ नॉट डन अब प्रॉपरली ये चीजें नहीं किए आपने, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, आपका पेपर थोड़ा सा घटिया हुआ है, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। जितना आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, या आपने हड़बड़ी में जो 10 मिनट या 5 मिनट आपके पास समय होता है इन चीजों को करेक्ट करने का, स्पेशली ऊपर वाली चीजों को, तो उसमें आपका समय प्रॉपर जाना चाहिए, उसके बाद ही आप चीजें करें। 300 से 500 कैंडिडेट है हर साल इसका शिकार जरूर होते हैं, इस बार हो सकता है कहीं ना कहीं ज्यादा ना हो गए हो, क्योंकि UFM का भी एक टेंशन था। अब क्योंकि लेटर नहीं आया तो UFM यहां पे किस तरह का UFM है, यहां पे अनफेयर मींस का मतलब है कि आपने कोई गलत तरीका अपनाने की कोशिश करें, तो UFM तो ये ऐसे भी हो सकता है, या आपके 0 लग सकते हैं यहां पे भी, यहां पे बिना लेटर आए भी 0 लग सकते हैं अगर आपने इन चीजों का पालन नहीं किया है। तो ये जरूर देखें, और जो आगे आगे एग्जाम होगा, जैसे CHSL का एग्जाम होगा आगे, फिर MTS का एग्जाम होगा, फिर CGL Tier 3 का 2020 का होगा, वो बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर कोई इनसे गलती हुई है आप कम से कम न करें। अब चलते हैं टॉपिक पे, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं कि वो गूगल में सर्च मारते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और हो क्या रहा है,
कि वो कुछ ना कुछ एक्ट या ड्राफ्ट आता है और बच्चे लगता है कि ये लिखना था, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो ड्राफ्ट है EIA 2020 से, वो नहीं लिखना है आपको, या उसका कोई उसका लेना देना इतना ज्यादा नहीं है, आप समझिए इस बात को। वो सिर्फ एक डेफिनेशन है, वो एक प्रोसेस है, आपसे वो चीज नहीं पूछी है। पूछा क्या आपसे कि उसकी इंपोर्टेंस क्या है, असेसमेंट की इंपोर्टेंस क्या है। मतलब कि मान लो मैं कोई थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहता हूं या कोई स्टील की बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, बहुत बड़ी प्लांट लगाना चाहता हूं, जैसे पास्को का था और बाद में ये इस तरह के मुद्दे वहां पे पूछ लेते, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा क्लियरेंस की लेने जरूरत होती है इन्वायरमेंट की। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहां पे रह रहे होंगे, आदिवासी वगैरह, उनको विस्थापित भी करना है। इसके अलावा क्या है कि वहां पे जब ये पेड़ पौधे कटेंगे तो प्रदूषण भी, उसके लिए मैं क्या अल्टरनेट प्लान दे रहा हूं, ठीक है, क्या उस जगह पे लगाना चाहिए, मतलब क्या बहुत ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ज्यादा तो नहीं है, ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है। फिर मैं जो प्लांट लगा रहा हूं उसमें जो एमिशंस होगी कार्बन से रिलेटेड या बाकी जो गैसेस निकलेगी वो कितनी है और कितनी खतरनाक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लांट लगाने से पहले एक असेसमेंट होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड और उसकी रिपोर्ट देनी है और वो अप्रूवल लेना है कि मेरा प्लांट अप्रूव होगा नहीं होगा, अप्रूव होगा किन कंडीशन में होगा और मुझे साथ में क्या क्या स्कीम करनी है, और वो पूरा इसका प्रोसेस है। आप जब ड्राफ्ट देखेंगे तो आपको वो सारा प्रोसेस 5-7 स्टेप का है आपको नजर आएगा। लेकिन क्या आपको वो लिखना है, जब बच्चे गूगल में सर्च करेंगे तो ऐसी चीज नजर आएगी, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जनरल बात पूछी आपसे कि भाई अगर मैं मॉनिटरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब है क्या कि मूल्यांकन कि उसकी जब हम लोग को इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर आपको फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसका इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको जानने की जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखिए ये थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल दिया मैंने, या स्टील प्लांट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्टील प्लांट का, इसका ये मॉनिटरिंग, ये प्रोसेस से गुजरना, इस प्रोसेस से गुजरना क्यों जरूरी है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट बचा जा सके। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे ने ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इमिशन, कार्बन टैक्स या क्लाइमेट चेंज उसकी बात की है, वो परफेक्ट है, वही तो करनी है आपको। आपको ये थोड़ी लिखना है कि बच्चे सोच रहे हैं कि ये मैंने नहीं लिखा तो मेरा तो गलत हो गया, मैं तो आउट ऑफ द टॉपिक चला गया। भाई ये तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे। दूसरी बात, आपको यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ वर्ड, ड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ वर्ड, तो ये जनरल बात पूछी गई है आपका। तो जनरल में क्या, अगर आपको कोई लॉ का नॉलेज नहीं है या उस ड्राफ्ट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर कि असेसमेंट क्यों जरूरी है उसके आधार पे भी लिखते हैं और इंपॉर्टेंस लिखते हैं। इंपॉर्टेंस का मतलब कि ये करना क्यों जरूरी है, अगर ये करना इसलिए जरूरी है ताकि जो विस्थापित हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है या उनको बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं होगा। जैसे टेहरी बांध का आपने पहले सुनते थे एग्जांपल, मेधा पाटकर का, आजकल तो एंटी नेशनल वगैरह बोला जाता है उनको, लेकिन जब इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते थे एक टाइम में, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो वो लोग क्या है कि जब इस तरह के डैम बनते थे तो वो लोग आगे आ जाते थे, वो बताते थे कि इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान हो रहा है, फिर सरकार क्या इसका मूल्यांकन करती थी, जनता को बताती थी कि हाँ नुकसान इतना नहीं है लेकिन फायदा ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है या डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसकी जो इंपोर्टेंस है लोगों को समझाया जाता था किसकी, इसकी कि ये लगना क्यों जरूरी है और इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, अगर आप क्लाइमेट चेंज लिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इससे नहीं होगा, अगर ये होगा प्रॉपर होगा, इसकी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होगा तो क्लाइमेट चेंज उस पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। जो जैसे अच्छा क्या इसका अगर कोई बच्चा ये लिखे कि एग्रीकल्चर है जिसमें सिंचाई होती है, सिंचाई की जरूरत होती है, बारिश का इसके साथ कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि अगर पर्यावरण खराब होगा, पेड़ पौधे कटेंगे यहाँ पे, जब पेड़ पौधे कटेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो बारिश होने की संभावना होती है वो हो सकता है कम हो जाए, वार्मिंग भी ज्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका भी तो क्लाइमेट चेंज का भी तो एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे गेहूं होती है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसको एक बारिश की भी जरूरत होती है हर स्टेज पे, ठीक है, जब वो 21 दिन की होती है, 22 दिन की होती है, तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो कहीं कहीं एग्रीकल्चर का बारिश का इरिगेशन के साथ अगर आप लिंक करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पूछी है, क्यों जरूरी है, मतलब इसके फायदे क्या है ऐसा करने के कि हम इन पे एक लगाम लगा रहे हैं कि ये उल्टा सीधा काम न करें, पर्यावरण हमारा बना रहे, इसके लिए
इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट तो लोगों की हेल्थ के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर मान लो ऐसे हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे जो कि बहुत ज्यादा धुआं फेंक रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर भी आएगा। क्या आएगा इम्पैक्ट? कि हम मतलब बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, गलत जो दमा के मरीज वगैरह है वो इतना नहीं हो पाएंगे। क्या जो पराली जलाने वाला, अब ये जरूर दिमाग में होगा बच्चों के, क्या पराली जलाने वाला भी क्या हम एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें इसमें, तो क्या वो लिख सकते हैं? क्या उसका इंपोर्टेंस बता सकते हैं कि पराली नहीं जलाएंगे या पराली जलाने के ऊपर सरकार कोई बड़ा काम कदम उठाती है तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो ये अगर किसी ने लिखा है वो भी ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट के रिलेटेड नहीं पूछा है। वो क्या पूछा है? एक जनरल बात पूछी है कि हम अगर इंडिया में ऐसे लाते हैं, हो सकता स्टेट के भी कुछ कानून होते हैं, राज्यों पूरे इंडिया में भी कुछ कानून होते हैं या गाइडलाइंस होती है। कानून का अलावा भी नोटिफिकेशन हो सकता है, गाइडलाइंस हो सकती है, जो कानून नहीं है लेकिन गाइडलाइंस है, ठीक है? तो इसके अलावा आने वाले टाइम में भी हो सकती है। तो ये इन जनरल बात पूछी है कि हम अगर ऐसा करते हैं असेसमेंट, उसका क्या फायदा है? तो आप जब इन्वायरमेंट का एसेस करते हैं तो हमारे पास में ये मुद्दे आएंगे कि हम क्या प्रोजेक्ट, जैसे एक दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है ICMR के साथ में, इस पे पराली वाले मुद्दे पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है? तो आपको कनेक्ट कैसे करना है ये भी आना चाहिए, अगर आप इसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो। सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, थर्मल पावर प्लांट, डैम वगैरह, उन चीज के साथ नहीं, बाकी चीजों के साथ में इसको जनरल करके भी लिखा है किसी बच्चे ने, वो भी ठीक है, या इनफैक्ट वही ठीक ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई प्रोसेस नहीं पूछा है। बच्चे गूगल में सर्च करके घूम रहे हैं। वो क्या है कि जो ड्राफ्ट आया था अभी 3-4 महीने पहले, उस ड्राफ्ट में जो चीज प्रोसेस दिया हुआ था वो सोच रहे हैं कि प्रोसेस लिखना था, और वो प्रोसेस तो बहुत टेक्निकल है। आपसे नए तो यूपीएससी से कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि आपको प्रोसेस का रट्टा मारना है, और नहीं, इससे इसका एप्लीकेशन क्या है, उस प्रोसेस का एप्लीकेशन क्या है? तो यहां पे तो वो भी नहीं पूछा आपसे, आपसे कोई ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 या कोई बिल या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसका हवाला ले सकते हैं, लेकिन वो एक्ट नहीं पूछा आपसे, उसकी एप्लीकेशन पूछी है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसका फायदा क्या है हमारे डे टू डे लाइफ पे, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे पशुओं के ऊपर, हमारे जो दूसरे जीव जंतु है जो बायोडाइवर्सिटी वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, अगर जो बच्चा इसका कहीं का यूज करता है, क्योंकि अगर ये वाली चीजें होगी तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम विकास के साथ में पर्यावरण के साथ में संतुलन कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ में विकास को, विकास और पर्यावरण का संतुलन कर रहे हैं, वही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो उसका इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, किसका? अगर हम चीजों को मॉनिटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यहां तक कि अभी कल प्राइम मिनिस्टर की जो एक डिस्कशन थी ग्रुप 20 थी या पता नहीं किस ग्रुप के साथ में, तो उन्होंने बोला कि अभी जो कोरोना है उसका इंडेक्स आना चाहिए, कोरोना का इंडेक्स आना चाहिए। क्या कोरोना के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं? कोरोना के साथ को इसको कनेक्ट करने के लिए जो असेसमेंट है कि जो इन्वायरमेंट है, कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ उस दौरान पॉल्यूशन वगैरह कम हो गया, उसका क्या इम्पैक्ट आया है उन जगहों पे जहां पे कि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था और पॉल्यूशन कम हो गया, क्या कोरोना कम हुआ है ज्यादा हुआ है? तो ऑब्वियसली क्या है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कि इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव पड़ा उसका कोरोना के साथ में क्या लिंक है, वो आप चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे इस बात से घबरा रहे हैं कि ये जो चार्ट था और वो लंबा प्रोसेस था वो लिखना था, भाई साहब वो नहीं लिखना आपको, उसकी एप्लीकेशन क्या है ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपका, आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी हो, और वो सिर्फ ड्राफ्ट है, ठीक है, जो कि एक टेक्निकल चीज है, वो नहीं पूछी गई आपसे। उसका रोल क्या है डे टू डे लाइफ में, हमारे इंपोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, ताकि असेसमेंट होगा, जैसे कि अगर हम Tier 3 का पेपर असेस करते हैं आपका, ठीक है, तो उसका क्या फायदा है, ताकि आपको पता चले कि मिस्टेक कहां पे हो रही है, आप करेक्टिव मेजर ले सके, तो वैसे ये है इंपॉर्टेंस उसकी, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और है, जो SSC के पेपर चेक होते हैं ना, उसमें आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हाई फाई की भी उम्मीद नहीं की जाती है, तो इसलिए जिन बच्चों ने सिंपल से कुछ पॉइंट लिखे हैं और रिलेट कर दिया, फायदा दिखा दिया कि इंपैक्ट अगर हम असेसमेंट करेंगे कि इन्वायरमेंट का नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट का, और तो ऑब्वियसली क्या है, उनको ठीक ठाक नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों के जो एक दिमाग में भरा हुआ था कि उसने कुछ रट्टे मार लिए, हालांकि रट्टे मार कर उसको लिंक कैसे कर रहा है किसी चीज के साथ में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप पटाखों के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं इसको, पटाखों के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं, यह आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। आप कोर्ट, अच्छा क्या इसमें कोर्ट लिखे जा सकते थे? हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो कोर्ट आप लिख ही सकते थे। बेटर इन्वायरमेंट बेटर हो तो इसका क्या फायदा है, आप जो भी चीजें इसके अंदर लिखना चाहें वो सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज देख लिए, प्रेसी 2000 कुछ प्रेसी आई थी, और प्रेसी जो लेटर की बजाय प्रेसी इस बार आई थी। अब मुझे लगता है कि ये सबसे आसान टॉपिक होना चाहिए प्रेसी वाला, क्यों? क्योंकि आपने 8वीं 10वीं क्लास में बहुत सारा प्रेसी की होगी, और इसके अलावा आपने हिंदी मीडियम में भी की होगी, सार लेखन जिसको बोलते हैं, या संक्षेप में लिखिए कई चीजों को, तो वो सारी इसमें चीजें हैं। प्रेसी से एक आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि आपके सामने जो चीज लिखी हुई है उसी में ही आपको आसान भाषा में वो कम शब्दों में लिख देना है, आसान भाषा में अपने शब्दों में कम शब्दों वो लिखना है। मतलब कि आप अपने वर्ड्स में लिखिए, आवन वर्ड्स में, ठीक है। इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लिखना स्टार्ट कर दें जो पैराग्राफ में दी होगी, ज्यादा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है आपको जो उसमें दिए हैं वो वर्ड बार बार। और जितने वर्ड कम शब्दों में लिखना है, आमतौर पे 1/3 में लिखना होता है, ये आमतौर पे 1/3 में लिखना होता है 90 वर्ड्स। इसके अलावा आ जाता है मुद्दा टाइटल का। तो कई बच्चे क्या है, टाइटल को लेकर बहुत ज्यादा कि मेरा यूएफएम तो नहीं लग जाए, यूएफएम एक अलग चीज है, अनफेयर मीन्स क्या टाइटल लिखना नहीं लिखना अनफेयर प्रैक्टिस है वो नहीं है, वो तो वो पहले पेज वाला मामला था, उसका लेना देना इसके साथ में नहीं है। अब क्या है कि क्या टाइटल लिखा हुआ था इसमें कि टाइटल दीजिए, और जब टाइटल दीजिए तो इसका मतलब टाइटल देना है, लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया तो 2-4 नंबर उसके कट सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है सामने वाला उसको इतनी गंभीरता के साथ ले। आमतौर पे देखो 2-3 मुद्दे हैं, यूपीएससी कभी भी टाइटल नहीं पूछती, वो लिखा होता है उसमें कि आपको टाइटल देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्यों? ताकि आपका ध्यान टाइटल की बजाय आपका उसको सिंपल बनाने में और 1/3 लिखने में उस पर ज्यादा ध्यान दो हो, वरना बच्चों का ध्यान क्या कि टाइटल बनाने में लग जाता है। दूसरी बात क्या है कि आपने कोई भी टाइटल दिया है वो करेक्ट है, गलत नहीं हो सकता कोई भी टाइटल, क्योंकि ये आपका अपना थॉट्स है, ठीक है। किसी का भी टाइटल गलत नहीं हो सकता, आप अपने अनुसार जो भी आप टाइटल लिखेंगे वो ठीक है। जिन्होंने टाइटल नहीं लिखा उसके 2-4 नंबर हो सकता है कम आ जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हर एग्जामिनर कितना ही पॉइंट देता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है कोई पेपर किसी का और मुझे उसको इसमें से नंबर देने हैं प्रश्न में, तो मैं टाइटल को इतनी गंभीरता से नहीं लूंगा, मैं ये देखूंगा कि उस बच्चे ने क्या वास्तव में बहुत सिंपल सी बात अपनी भाषा में अपने शब्दों में क्या 90 शब्दों में लिखी है नहीं लिखी है। अगर मान लो उसने 120 वर्ड भी लिख दिए तो फिर मैं ये देखूंगा, मैं इसको टाइटल को फिर भी इंपॉर्टेंस दे दूंगा, मैं ये देखूंगा कि चलो उसका क्या रीजन था कि 120 तक वो पहुंचा है। अगर वो बात सही लिख रहा है और सारी चीजें उसने कवर की है और फिर भी 120 वर्ड आ गए तो मैं कोई इतना माइंड नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं 1-2 नंबर काट सकता हूं उसके, लेकिन फिर भी उसको टाइटल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो ये एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके इतने नंबर कट जाएंगे, अपने लिखा है नहीं दिया है, इस तरह से कोई बात नहीं है। तीसरी बात ये आ जाती है, कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइटल पहले उसने लिखा और आखिर में टाइटल दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। आमतौर पर टाइटल तो पहले होना चाहिए, अब ये थोड़ी है कि पूरी मूवी देख ली उसके बाद पता चला हो ये मूवी 16 थी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको पहले पता होगी 16 मूवी देखने जा रहे हैं तो तभी तो होगा। आमतौर पे क्या होता है कि अगर पहले टाइटल और बढ़िया सा टाइटल अगर लिखा होता है एग्जामिनर का थोड़ा इंप्रेशन जाता है, लेकिन ये हर एग्जामिनर के साथ लागू नहीं है, कम से कम मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने आखिर में भी टाइटल लिखा, मैं कोई नहीं तो यूएफएम करने वाला हूं, यूएफएम कोई टीचर नहीं करेगा, यूएफएम तो एक एसएससी का प्रोसेस है, एसएससी करती है, कोई टीचर नहीं करता, और वो प्रोसेस को वायलेट करने का होता है, ये कोई प्रोसेस वायलेट नहीं हुआ है, ये उसका तरीका है। तो उसने ये लिखा आखिर में लिखा, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो आखिर में लिख भी दिया तो मैं उसके, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं उसके इस बात के नंबर नहीं काटूंगा, मैं देखूंगा कि उसने जो कंटेंट लिखा है उसकी वो कितना ठीक है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा। अगर फिर भी मुझे काटना पड़ा तो मैं इतना नहीं काटूंगा, 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, मतलब जिस बच्चे ने पहले लिखा और आखिर में लिखा मेरा इतना मेरे ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरे बगल में अगर कोई दूसरा एग्जामिनर बैठा है और उसके दिमाग में यह है कि यार इसने टाइटल ही नहीं लिखा तो ऐसा क्या बंदा है जिसको टाइटल ही पता नहीं चला,
तो हो सकता है उसको वो आपके ज्यादा नंबर काट ले। तो ये इंडिविजुअल टू एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। जैसे जजेज होते हैं, जुडिशरी होती है, कई जजेज क्या होते हैं कि बेल देना बहुत आसान, बेल बहुत आसानी के साथ दे देते हैं। आपने अर्णब गोस्वामी का केस भी देखा होगा, उस जज की हिस्ट्री है कि वो हर आदमी को ही बेल देता है, वो क्योंकि लिबरल थॉट है। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि बेल बहुत जल्दी से नहीं देते। तो ये डिपेंड करता है कि आइडियोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो एग्जामिनर को आप ब्लेम मत कीजिए कि ये कोई सिस्टम थोड़ी है, ये हर इंसान का होता है कि आपको अगर कोई पिक्चर मुझे अच्छी लग रही हो सकता है आपको नहीं लगे, तो सेम स्टोरी यहां पे, आप किसी पे फोर्स थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बात कि अगर किसी ने टाइटल नहीं लिखा है, बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है आपके। अगर एक दो नंबर, दो चार नंबर कट भी गए, हो सकता है ना भी कटे, एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, किसी ने आखिर में लिखा, लिखना नहीं चाहिए था लेकिन लिख दिया, तब फांसी तो कोई तोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, आपके हो सकता है किसी एग्जामिनर आपका बिल्कुल उसको जो पहले लिखता है उसके इक्वल ट्रीट कर ले, हो सकता है कोई एग्जामिनर उसको बुरा लग जाए तो दो चार नंबर ज्यादा काट सकता है। लेकिन मोटे तौर पे सभी के सभी एग्जामिनर है वो ये देखेंगे आपने कंटेंट जो लिखा है अंदर, ठीक है ना, वो आपने साफ सुथरा लिखा है, कटिंग वटिंग तो ज्यादा नहीं की है क्या आपने, जो स्टार्टिंग दो तीन लाइनें जो लिखी होंगी 90 लाइनों में, वो लाइनें हैं वो उठाकर तो एज इट इज तो नहीं लिख दी है। ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको एज इट इज लाइनें नहीं लिखनी थी, उसका एक सार लिखना था, सिंपल भाषा में सार और अपने शब्दों में लिखना था। कोई सेंटेंस अननेसेसरी रिपीट नहीं करने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। ठीक है, और उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जो आपको आसान लग रहा है मुझे, या आपको अपने अवन वर्ड लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे हो सकता है उसको लगे कि यार इसने तो उसका एक दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन टाइप कर दिया, मतलब कि इसको एंटोनिम सिनोनिम्स की भाषा में उसका सिनोनिम बना दिया, जो पहले वर्ड था वो भी मुश्किल और इसने भी कोई मुश्किल वर्ड लिखा है, सिनोनिम बना दिया, तो हो सकता है मुझे वो पसंद आए, दूसरे को ना आए। तो ये चीजें बहुत ही सब्जेक्टिव होती है और एग्जामिनर टू एग्जामिनर होते हैं। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका काम था प्रेस राइटिंग करना, बेटर होता अगर आप तैयारी करके जाते हैं। अगर किसी ने तैयारी की है बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो, हमने तो बहुत सारे वीडियो में पहले बोला था कि ये लेटर और एसे नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करना है, जिसमें कि एसे भी हो सकता है, प्रेसी भी हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकती है, नोटिस भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है कोई, ताकि आपका पता चले कि आपको एक रीजनेबल बेसिक नॉलेज है लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट हो रहा है। और यहां पे भी आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट हो रहा है, कोई प्रोसेस का नहीं पूछ रहा आपसे यहां पे कि आप अपनी आसान भाषा में 250 शब्दों में एग्जामिनर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हुए कर सकते हो, ये बताते हुए कि भाई अगर किसी पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है समाज को, देश को और पूरे वर्ल्ड को क्या फायदा हो सकता है। तो ये बात उसको लिखनी थी, अननेसेसरी टेक्निकल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1986 इन्वायरमेंट एक्ट एक दो जगह लिख दिया है या कोई ड्राफ्ट बिल 2020 लिख दिया है तो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी ने नया दिया और कोई बहुत हाई फाई आंकड़े फेंकने की आवश्यकता इसमें थी नहीं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है जो बच्चों को स्टार्टिंग में लग रहा है या अभी भी कई घुसे हुए हैं इसमें प्रोसेस में। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी, आगे आप ध्यान रखेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, और जिन बच्चों का SSC CSS का एग्जाम है उनके लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया, वो ज्वाइन कर लीजिए बिना लिखे हुए। देखो ये वाली सारी चीजें आपको कब समझ में आती कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं, क्योंकि आपके सामने इमीडिएटली कोई टॉपिक आता है वहां पे और उस टॉपिक पे आपको लिखना है बिना कहीं पे देखे हुए। जब आप लिखेंगे तो आपको ये वाली चीजें बहुत आसान सी लिखने लग जाएगी, वरना क्या आप इन्हीं चीजों को मुश्किल समझना स्टार्ट कर देंगे और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क पड़ जाता है फिर, कि जिस बच्चे को ये सारी चीजें इमीडिएटली लिखनी आती है उनके लिए तो बहुत आसान है। जैसे कि मैंने मान लो कभी जिंदगी में हाथी नहीं देखा और मैंने किताबों में देखा हाथी का फोटो, और मैंने चूहे का चूहा देखा है जिंदगी में लेकिन चूहे का किताब में भी इतना फोटो, तो मैं सोचूंगा चूहा और हाथी तो एक जैसे से होते होंगे। तो ये परसेप्शन का डिपेंड है कि आपने जो चीज नहीं देखी उसको आपको कैसे पहल दो, को कैसे बता दे, लेकिन अगर आपने वास्तव में कोई चीज देखी, अनुभव किया है, तो आप उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर आपने लिख लिख कर देखे हैं और आपने लाइव टेस्ट किए हैं तो ऑब्वियसली ये इतना मुश्किल नहीं है जो कई बच्चों ने बना रखा होगा। ठीक है, ऐसे प्रेसी केस में, प्रेसी तो बिल्कुल आसान होती है कि आपको देख कर ही तो लिखना है, 1/3 लिखना है देख कर ही, उसके सामने दिया हुआ, कोई अलग से आपको आंकड़े भी नहीं देने, कोई ऐसी कोटेशन भी नहीं फेंकनी, आपको कोई एक्ट भी नहीं लिखना,
ठीक है, जो चीज आपको आ रही है हिंदी या इंग्लिश में जो भी है उसको आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर कुल मिलाकर आपका ठीक गया होगा। बस शर्त है कि ये वाली चीजें आपने गड़बड़ नहीं की होगी जो पहले पेज पे होती है, वो ज्यादा डेंजरस है, वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही।